नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक एंटी एजिंग क्रीम के बारे में जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का जो स्किन होता है ना, उसका ग्लो चला जाता है, वो स्किन जो है पूरी डल हो जाती है, यानी कोई ग्लो नहीं, कुछ नहीं, और एज होती है 30 साल की, और ऐसा लगता है उनको देख के कि इनकी वो 40 या 45 के करीब है। तो कम एज में ही जो फेस है वहाँ पे एज ज़्यादा दिखने लगती है, और उसी वक्त ये क्रीम अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हो सकता है। होम्योपैथी पे जिन लोगों का ट्रस्ट है, तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन है, सनी हर्बल कंपनी की एंटी एजिंग लोशन है, ठीक है। अब ये करता क्या है उसके बारे में देखेंगे, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो बॉडी में जो प्रोटीन होता है कोलेजिन, इसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे जैसी हमारी एज बढ़ती है तो वो कम होता जाता है। तो ये कोलेजिन के जो जहाँ पे हम स्किन को लगाते हैं वहाँ का जो प्रोटीन है, वहाँ का प्रोटीन को स्टिम्युलेट करने का काम करती है, यानी बॉडी के अंदर जो कोलेजिन बन रहा है तो उसको जो स्किन पे स्टिम्युलेट करता है, उसकी वजह से कोलेजिन अगर बढ़ता है तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्किन के लिए कोलेजिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और होम्योपैथी मेडिसिन कूट कूट के भरी है इस लोशन में। इसमें पपाया का एक्सट्रैक्ट है, पोमोग्रेनेट यानी अनार का एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा है, और कैलेंडुला एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो एंटीसेप्टिक के रूप में जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ये स्किन को मॉइस्चराइजर भी करता है, डैमेज जो अगर सेल आपके स्किन के सेल डैमेज हुए उसको रीजनरेट भी करता है, रिपेयर भी करता है, सेल को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। अगर आपके चेहरे पे रिंकल आई हुई है, क्योंकि रिंकल से ही ज़्यादा क्या होता है, स्किन जो है वो बूढ़ी नज़र आती है और लूज भी हो जाती है, तो इलास्टिसिटी तो मेंटेन करता ही है तो रिंकल को भी रिड्यूस करता है। सबसे ज़्यादा रिंकल रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, चेहरे पे ग्लो भी लाता है, स्किन को टाइट भी करता है, उसी के साथ जो फाइन लाइन छोटी छोटी लाइन होती है जिसकी वजह से बुढ़ापा नज़र आता है उसको रिड्यूस करता है, इलास्टिसिटी जो होती है चेहरे की उसको मेंटेन करता है, स्मूथ करता है स्किन को, हाइड्रेशन भी मदद करता है, यानी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और जो सौंदर्य यानी सनलाइट से अगर आपकी स्किन डैमेज हुई है तो स्किन को रिपेयर करने का, रीजनरेट करने का काम भी ये लोशन जो है वो करता है। तो इसका मैं फोटो भी लगा दूंगा और आप इस नीचे एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से ये प्रोडक्ट जो है वो परचेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रात को सोते वक्त अगर थोड़ा सा लोशन लगा के मसाज करोगे 5 मिनट चेहरे की, तो ये सारे बेनिफिट्स, यानी अगर आपकी स्किन ज़्यादा बूढ़ी नज़र आती है तो इसके लिए ये एंटी एजिंग क्रीम सनी हर्बल की बहुत बढ़िया है। इसका एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को ज़रूर मिलेंगे।